किसानों की इंद्रदेव की कृपा बरसने से उनके चेहरे पर मुस्कान नजर आई। लगातार बारिश होने के बाद धान की रोपनी शुरू हो गई। हालांकि अब भी राज्य में 35% कम बारिश हुई है, लेकिन किसान धान रोपनी में जुट गए हैं। दिनों से लगातार हो रही है बारिश के बाद किसान जिस तरह से खेतों पे नजर आ रहे हैं, कारण है कि पानी जिस तरह से खेत पे इकट्ठा हो रहा है उसके बाद रोपनी का काम यहाँ पे चल रहा है। और जो बीज अब से लगभग महीना दिन पहले जो लगाया गया था खेतों पर, वो बीज जैसे जैसे तैयार हो रहा है, जिसे बीड़ा कहते हैं, और वो बीड़ा को उखाड़ा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे खेतों पर जोताई होगा, हल चलेगा, जब इसकी जोताई हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे रोपनी होगा। तो यहाँ पे किसान है, चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खेत ही खेत नज़र आ रहा है, और किसान जो है खेत पे रोपनी का काम है वो कर रहे हैं। लोगों से बात करते हैं, अभी क्या काम कर रहे हैं खेत पे? बीड़ा खुड़ा थी बाबू, बीड़ा खुड़ा थी है यार, कल का धुआ बैया रोप बाय, और एखन तो बिहीन लगा ही है 15-16-17 दिन हुआ तो बिहीन लगाल। ये मॉनसून जो अभी हो रहा है, बारिश हो रही है, इंद्रदेव कितना मेहरबान हुआ है अभी किसानों के? देखिए ये अगस्त के महीना में कुछ मानसून पड़ा है, और लेकिन अमूमन देखिएगा कि जुलाई के अंतिम तक में किसान अपना खेत को तैयार करके रोपनी रोप देता है, लेकिन इस बार मानसून कमजोर होने की वजह से आज अभी भी 65% ही लोग रोपनी रोप पाया है। ये तमाम चीज में सामूहिकता थी, इसी को तो गांव कहते हैं। और खास करके ये जो है, विशेष करके मैं देखता हूँ कि आदिवासी जो परंपरा है उस परंपरा में सामूहिकता है। खेती हुआ था और अब खेती हुआ था, उसमें क्या अंतर हो? कुछ पहले से अभी अंतर हो कि ऐसे ही चला था? नहीं, अंतर हो कि नहीं, पहले से अंतर हो कि कैसे? पहले तो अब का गोबर खाद देवत रहे, आजकल तो चला नहीं खाद आवत हन चले। अच्छा, कितने दिन से इधर रोपनी चला था? एक हफ्ता हलो। एक हफ्ता? हां। और कितने दिन में खत्म हो जाता है रोपनी इधर? अभी और लगता है एक हफ्ता की। अच्छा, मतलब 15 अगस्त तक रोपा जाता है? नहीं, 15 अगस्त तक रोपा जाता है। अच्छा, पहले मानसून पर ही निर्भर होता है, बारिश जब होती है तो वही पानी जो है खेत पे इकट्ठा होता है और उसी पर धान की खेती होती है। तो किसानों का जो कह सकते हैं कि धान की फसल का उपज करना किसानों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और वो इसलिए भी कि मानसून पर ही यह पूरा खेती है वो निर्भर होता है। पहले कम लागत में ही खेती हो जाती थी, लेकिन अब लागत काफ़ी बढ़ गया है, और इस बीच किसान अपने खेतों पे लगे रहते हैं क्योंकि खेत को परती छोड़ना नहीं चाहते हैं। किसान धन को अपना धान को अपना धन मानते हैं, और यही वजह है कि किसान लाभ हो या ना हो खेतों पे लगे रहते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।